अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई और न्याय विभाग की आलोचना करते हुए दावा किया कि निजी ईमेल सर्वर के लिए जांच के घेरे में आईं पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के साथ जो व्यवहार हुआ था उनके पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन से उससे कहीं ज्यादा कड़ाई से निपटा जा रहा है। ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा कि एफबीआई से कई बार झूठ बोलने वाली हिलेरी के साथ कुछ नहीं हुआ, जबकि जनरल फ्लिन ने एजेंसी से झूठ बोला और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। आपको बता दें कि फ्लिन ने रूसी राजदूत के साथ संबंध को लेकर एफबीआई से झूठ बोलने के आरोपों को लेकर कल एक अमेरिकी अदालत में अपना दोष कबूल किया। ट्रंप ने ट्वीट किया, जनरल फ्लिन एफबीआई से झूठ बोलते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है, लेकिन एफबीआई की जांच का सामना करने वाली कुटिल हिलेरी क्लिंटन कई बार झूठ बोलती हैं और उनके साथ कुछ नहीं होता। इसे क्या कहें, भ्रष्ट तंत्र या फिर दोहरा मापदंड? ट्रंप ने एक दूसरे ट्वीट में कहा, हमारे देश में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि न्याय विभाग इस बात को लेकर क्या करेगा कि बेहद कुटिल हिलेरी ने अमेरिकी कांग्रेस द्वारा तलब किए जाने के बाद 33,000 ईमेल डिलीट कर दिए और उनका नामो निशान मिटा दिया, कोई न्याय नहीं हुआ। राष्ट्रपति ने साथ ही ट्विटर पर यह भी बताया कि उन्होंने रूसी राजदूत के साथ संबंध को लेकर उपराष्ट्रपति और एफबीआई से झूठ बोलने के लिए फ्लिन को पद से हटाया। उन्होंने लिखा कि मुझे जनरल फ्लिन को हटाना पड़ा क्योंकि उन्होंने उपराष्ट्रपति और एफबीआई से झूठ बोला। उन्होंने झूठ बोलने का दोष कबूल किया, ये शर्मनाक है क्योंकि नई सरकार के गठन के दौरान उनकी कार्रवाई कानूनी थी, कुछ भी छिपाने जैसा नहीं था। टीम इंडलिंग्स।